विराट रहाणे के दम पर टीम इंडिया फतह करेगी ओवल का किला। ऑस्ट्रेलिया में छाया विराट कोहली का खौफ, आज छीन लेंगे जीत। WTC फाइनल में होगा ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम, रोते रोते लौटेगा अपने घर। टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा रनों का टारगेट चेस करना लगभग असंभव सा है, वो भी तब जब टीम के पास सिर्फ एक दिन का समय हो। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है। भारत के साथ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल स्थिति में है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में भारत के सामने 444 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपने 3 विकेट खोकर 164 रन बना लिए, यानी आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 280 रनों की दरकार है। उसके पास विकेट हैं सिर्फ 7। क्रिस पर है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। अब सवाल ये है कि क्या भारत यहां से टेस्ट मैच जीत सकता है? कोहली और रहाणे ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उससे लग रहा है कि दोनों अच्छी लय में हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली ने 44 रन और रहाणे ने 20 रन बनाए। रहाणे ने पहली पारी में 89 रन बनाए थे। साथ में बल्लेबाजी करते हुए कोहली और रहाणे ने पहले भी भारत को कई मैच जिताए हैं। कोहली और रहाणे अगर टिक गए और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो करने में सफल रहे तो उसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। कोहली वैसे भी वो बल्लेबाज है जो हार नहीं मानते। जब कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी तब उन्होंने अपनी मंशा साफ बता दी थी कि वह जीत के लिए खेलना चाहते हैं। उनकी कप्तानी में भी टीम में यही अंदाज देखा गया था जो आज तक कायम है। कोहली खुद इस समय क्रीज पर हैं और ये उनके लिए सबसे सही मौका है कि वह अपनी आक्रामकता का नमूना पेश कर टीम को जीत दिलाएं। वही आक्रामकता जिसके लिए कोहली कई बार आलोचना भी झेल चुके हैं। रहाणे शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन विकेट पर टिकना और रन बनाने इस बल्लेबाज को खूब आता है। पहली पारी में दुनिया ये देख चुकी है कि रहाणे विकेट पर टिक कर रन बनाना जानते हैं। एक छोर पर कोहली आक्रामकता से ऑस्ट्रेलिया से जीत छीनने का दम रखते हैं तो दूसरे छोर पर रहाणे अपना काम करते हुए रन बना सकते हैं। इस जोड़ी पर भारत की जीत काफी हद तक निर्भर है और ये दोनों ऐसी स्थिति में टीम को बाहर निकालने का दम रखते हैं। भारत की बल्लेबाजी देखी जाए तो ये गहरी है। नंबर 8 तक उसके पास शार्दुल ठाकुर है जिन्होंने पहली पारी में अर्धशतक दबाया था और रहाणे के साथ साझेदारी की थी। कोहली और रहाणे के बाद भारत के पास रविंद्र जडेजा, KS भरत और शार्दुल ठाकुर है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। जडेजा की बल्लेबाजी से सभी वाकिफ है। अगर जरूरत पड़ी तो जडेजा वो काम कर सकते हैं जो ऋषभ पंत क्या करते हैं। पंत ने गाबा और सिडनी में जो पारियां खेली थी वो भारत की जीत की बड़ी वजह बनी थी। सामने उस समय ऑस्ट्रेलिया थी, इस बार भी वही टीम है और जडेजा में ये दम है कि अगर आखिरी में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो वे अपने बल्ले से वो अवतार दिखा सकते हैं। शार्दुल ठाकुर भी ये काम करने का दम रखते हैं। भारत ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यह बता दिया था कि वह हार मानने वाली टीम नहीं है। सिडनी और गाबा में भी टीम इंडिया ने हैरतअंगेज जीत हासिल की थी। वे दो जीतें टीम इंडिया के लिए प्रेरणा होंगी कि अभी भी मैच जीता जा सकता है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो बेशक उसके पास बेहतरीन तेज गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन चौथे दिन गेंदबाजी देखकर लग रहा है कि वह अभी तक अपनी लय में नहीं है। चौथे दिन से विकेट भी धीमी हो रही है और फिर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिले इसके चांस भी बहुत कम है। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक ही बात हुई है। मोहम्मद शमी की माने तो टीम इंडिया के कैंप में सिर्फ इस मैच को जीतने की बात हुई है कि यहां से कैसे मैच जीता जा सकता है। तो आप भी सुनिए मोहम्मद शमी ने ड्रेसिंग रूम में हुई बातचीत में क्या बताया। 280 रन मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं तो नॉट अ बिग स्कोर। तो आप मेरे हिसाब से एज ए टेस्ट मैच नॉर्मल आपको अपनी बैटिंग करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए कि बॉल बाई बॉल खेलें, लंबे टारगेट को ना देखें। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। आप हमेशा जब छोटे छोटे गोल्स आप जब रखते हैं, टारगेट रखते हैं, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। मेरे हिसाब से नॉर्मल खेलना चाहिए। Just wondering how much pain Ajinkya Rahane is batting throughout there. We know yesterday he had some real finger issues from number of balls to gloves. Has he spoken about how much pain he's in and how he's going gripping the bat? He can tell better if you ask him. But he is batting well. I hope that he is batting tomorrow well also. So just focusing on this cricket. This is a sports spirit. If you hurt, then you're still playing. शमी भाई अब्री, आपने दो बार कहा है कि ये मैच लास्ट सेशन तक जाना चाहिए। सभी तो ख्वाब देखते हैं वर्ल्ड कप फाइनल जिताने के लिए। आप सोच रहे हो आप बैटिंग करते रहोगे और विनिंग रन मारोगे? मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है स्पेशली इंग्लैंड में तो रन बने और पार्टनरशिप भी लगी है। और आज की जो इंडियन टीम क्रिकेट है मुझे लगता है कि एवरीवन कैन बैट, तो होपफुली कि कल हम लोग मैच जीते और विनिंग रन आप बनाओगे। यस। अब टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी वे जीत हासिल कर सके क्योंकि उसके पास एक दिन में 280 रन बनाने का पूरा दम है और क्रीज पर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।